Good morning, dear students. My... Hello, everyone. Myself Sandhya, and welcome to SK Educar. Today, we will see Chapter Three of your English Literature book, Aster. The chapter name is "The Other Side of Scientists." So let's start. In this chapter, we will see what um, we will read about different scientists. smallest stories about them. Okay so let's start scientists are looked upon as people who are always preoccupied with their own researches and experiments and have no time for ordinary people they are thought to be highly serious and having practically no sense of humor this is general impression but the following anecdotes will reveal a different aspect of their character see the following pictures of the people and uh, comment who are they comment the names of these people yes you are right they are scientists like Newton Galileo Einstein Fleming Euclid and others so so about them there is a saying there is a saying means kahawat hai साइंटिस्ट आर लुक्ड अपॉन एस पीपल वो लोग ऐसे लोग माने जाते हैं हमारे सोसाइटी में कहावत है कि साइंटिस्ट ऐसे लोग होते हैं दो, दो आर प्री ऑक्युपाइड विद देअर ओन रिसर्च जो अपने में प्री ऑक्युपाइड होते हैं अपने काम में अपने रिसर्च में और एक्सपेरिमेंट्स में इतना ओक्युपाई होते हैं इतना बिजी होते हैं कि उनको नॉर्मरी नॉर्मली लाइफ जीने के लिए कोई भी टाइम ही नहीं होता उनके पास ऑर्डनरी टाइम नहीं होता और वो नॉर्मली ऑर्डनरी पीपल के लिए भी समय निकाल नहीं पाते हैं दे आर थॉट टू बी हाईली सीरियस उनको ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही सीरियस होते हैं एंड हैविंग नो प्रैक्टिकल सेंस ऑफ ह्यूमर उनको हम ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट है तो हँसता नहीं होगा और आ, बहुत ही सीरियस होते होंगे ऐसे लोग सो देर इज़ अ सेइंग ऑफ ऑल दिस ऐसा कहावत है कि वो लोग दिन रात पढ़ते होंगे दिस इज़ द जनरल इम्प्रेशन साइंटिस्ट माने हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं आई मस्ट होप दैट कि आप लोग के दिमाग में भी ऐसी चीज़ें आती होंगी कि साइंटिस्ट बनना है दे आर ऑलवेज डूइंग रिसर्च दे आर ऑलवेज लुकिंग आउट टू टू दे एक्सपेरिमेंट्स वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं तो ऐसी कहावतें आपने भी जरूर सुनी होंगी बट द फॉलोइंग एनेक्टोड्स द मीनिंग ऑफ एनेक्टोड इज शॉर्ट एंटरटेनिंग स्टोरी एनेक्टोड का मतलब होता है बहुत ही छोटा एंटरटेनिंग स्टोरी किसी भी रियल पर्सन पे रियल पर्सन पे जैसे कि महात्मा गांधी ये भी रियल थे जिंदा थे हमने रियल uh, पर्सन ये इमेजनरी पर्सन नहीं है न्यूटन गैलीलियो आइंस्टाइन ये लोग रियल पर्सन है दे आर नॉट इमेजनरी पर्सन लाइक बालबीर मोटू पतलू ये लोग इमेजनरी पर्सन है जिसको हम लोगों ने क्रिएट किया है ठीक है सो दे एनेक्टोरस आर रियल स्टोरी अबाउ दैट विल रिवील डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ देयर कैरेक्टर हम लोग छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में लाइक यूक्लिड न्यूटन फ्लैमिंग इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे अदर साइड ऑफ साइंटिस्ट जो ऐसी कहावतें हैं कि वो लोग बहुत सीरियस होते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब उनको मजाक करने नहीं आता ठीक है तो उसके विपरीत उनका कैरेक्टर देखेंगे जो ये कहावते हैं उसके विपरीत उनका हम कैरेक्टर देखेंगे कि क्या है फर्स्ट वी विल सी अबाउट द यूक्लिड्स रोड टू जोमेट्री यूक्लिड ने क्या इन्वेंशन किया था ही वॉज़ अ फेमस मैथमेटिशियन Who lived in the 4th century BCE is known to have measured the height of a pyramid by measuring its shadow. ye euclid ne ये kiya ने क्या किया था पिरामिड का हाइट को मेजर किया था कैसे सिर्फ उसकी शेडो को देख कर, अभी देखो मेरी शेडो तो अभी बन नहीं रही है बट मेरी सिर्फ शेडो को देखकर मेरे फिंगर की लेंथ को बचताना इट इज़ समथिंग लाइक दैट टू मेजरिंग द हाइट ऑफ द पिरामिड

यूक्लिस्ट uh, से पूछा कि जैसे वो अपने थ्योरम्स को एक्सप्लेन करता था शेडो तो से नाप देता था तो पूछा कि हाउ ही डज ऑल दैट देन द किंग ओलेमी ऑफ एलेक्सेंड्रिया आज इजेंट दे आर अ शॉर्टर वे ऑफ लर्निंग जोमेट्री अदर देन दिस मेथड अदर देन योर मेथड तो किंग पूछता है क्या इससे कोई आसान तरीका नहीं है इससे कोई छोटा तरीका नहीं है को लर्न करने का देन यूक्लिड रिप्लाइड सर इन आवर कंट्री देर आर टू रोड्स इन आवर हमारे कंट्री में दो रोड्स हैं हार्डर रोड फॉर द कॉमन पीपल टफ रोड हार्ड रोड जिसपे कॉमन पीपल चलते हैं एंड द ईजी रोड फॉर द रॉयल फैमिली और एक बहुत ही प्लेन रोड बहुत ही नॉर्मल रोड जिसमें उबड़ खाबड़ नहीं होता वो किसके लिए होता है वो रॉयल फैमिली के लिए राजा महाराजा आप जैसे लोगों के लिए होता है बट इन जीमेट्री बट इन ऑल मस्ट गो द सेम वे देर इज़ नो रॉयल रोड टू लर्निंग फिर उसने बोला यूक्लिड ने बताया कि इन जोमेट्री जोमेट्री में कोई भी भेदभाव नहीं है पढ़ाई में कोई भेदभाव नहीं है सभी को एक ही रोड से जाना पड़ेगा एक ही पाथ से जाना पड़ेगा एंड दैट इज़ द हार्ड रोड एंड दैट इज़ द सेम रोड देर इज नो रॉयल रोड और रॉयल रोड ऐसा टाइप का कुछ भी नहीं है कोई शॉर्टकट नहीं है फॉर लर्निंग फॉर लर्निंग एवरी वन हैज टू लर्न विद द सेम रोड नेक्स्ट दिस वॉज द स्टोरी ऑफ यूक्लेट कमेंट मी एंड टेल मी हाउ डू डू लाइक द यूक्लेट ओके नेक्स्ट वी विल सी ऑफ द अदर सैंटेस दैट इज चार्ल्स डारविन लेट सी डारविन नेम्स अब वन चार्ल्स डारविन द नाइनटीन सेंचुरी नेचुरलिस्ट ही वॉज अ नेचुरलिस्ट द मीनिंग ऑफ नेचुरलिस्ट इज द पर्सन पर हु स्टडीज अबाउट द नेचर एंड प्रोटेक्ट द नेचर ऐसा इंसान जो नेचर के बारे में पढ़ता है और उसको ऑब्जर्व करता है वॉज विजिटिंग दंट्री हाउस ऑफ अ फ्रेंड टू बॉज ऑफ द फैमिली डिसाइडेड टू प्ले अ जो कॉन हैम देट टूगैदर वेरियस पार्ट्स ऑफ अ बटरफ्लाई सेंटीपीड एंड अ बीटल एंड ए ग्रॉसोपर एंड मेड अ स्ट्रेंज लुकिंग इंसेक्ट दे लुक दे टुक इट टू डार्विन एंड सेड नाउ सी वेन चार्ल्स डार्विन वेन टू हिज फ्रेंड हाउस अपने फ्रेंड के हाउस में गया वहाँ पर दो बच्चे थे और फिर उन्होंने सोचा उन दोनों बच्चों ने सोचा कि चलो अभी डार्विन से चार्ल्स डारविन अंकल से हमें मजाक करेंगे दे ग्लूड ग्लूड में चिपकाना टूगेदर वेरियस पार्ट ऑफ बटरफ्लाई बटरफ्लाई होवरी वन नोज सेंटीपीड एंड अ बीटल एंड अ ग्रास ओपर ग्रास ओपर स्टिडा सेंटीपीड एंड बीटल फोटो आई विल शो यू एंड मेड अ स्ट्रेंज लुकिंग इंसेक्ट इन चारों को जोड़ के एक अलग बहुत ही स्ट्रेंज लुकिंग इंसेक्ट बनाया चारों इंसेक्ट को जोड़ के ठीक है ग्लू से जोड़कर एक अजीब टाइप का इंसेक्ट बना एंड दे टूक इट टू डारेन ओके एंड सेड वी कॉट दिस अ बग इन अ फील्ड मैं इस बग को फील्ड से पकड़ा हूँ और द इंसेक्ट को एंड सेड टू डार्विन अंकल दैट वी कॉट दिस बग इन अ फील्ड कैन यू टेल अस व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इट इज सर फिर पूछा कि सर क्या आप बता सकते हैं ये कौन से काइंड का बग है कौन सा जानवर है देन डार्विन टुक इट इन हैंड एंड टुक इट एंड आज डिट यू नोटिस वेदर इट हामड वैन यू कॉटेड बॉयज पूछे डारबिन सर पूछे कि जब आपने इसे फील्ड में पकड़ा था डिटेट हम्ड हम्ड मीन्स इज हम्ड इसका मीनिंग है मेकिंग अ कंटिन्यूस सॉफ्ट एंड ममरिंग साउंड जैसे नहीं, 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 किसी भी जानवर के मुँह से कंटिन्यूस भिन भिनाने की आवाज़ जो आती है उसे हम्ड बोलते हैं हम्ड डिड यू नोटिस वेदर इट हम्ड क्या ये सब भुन ढुन का आवाज निकाल रहे थे वन यू कॉट इट बॉयज तो ऐसा पूछा देन बॉयज सेन दॉयज सेड ये प्रॉपर्टली रिप्लाइड अचानक से वो सब बोलते हैं येस yes, सर ऐसा बोलते हैं हमबर्ग तो ये इसका नाम है हमबर्ग मीन्स बिन बनाने वाला जानवर फिर ये जो जो बच्चे इन पे बनाने वाले थे इन्होंने उसको एक नाम ही दे दिया नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट पास्चर्स वेडिंग वेडिंग डे पास्चर्स वेडिंग डे वेडिंग मीन्स शादी का दिन ओके इट वॉज द वेडिंग डे ऑफ फेमस फ्रेंच कैमिस्ट लुइस पास्टर ओके ये केमिस्ट थे मीन्स

द ब्राइड एंड द एंड हर फैमिली ब्राइड इज़ द दुल्ल्ह्ह्हन एंड हर फैमिली उसकी फैमिली वेर नर्वस एज द ब्राइड ग्रूम वॉज हैड नॉट अरइड क्यों नर्वस थे क्योंकि ब्राइड ग्रूम जो दुल्हा था अभी तक आया नहीं था ब्राइड ग्रूम इज़ दुल्हाइड इज द दुल्हन ब्राइड ग्रूम कौन थे ये तो चार्ल्स सॉरी uh, ये तो लुइस पास्चर हीज थे एंड अ फ्रेंड ऑफ पास्चर हरी टू द लेब्रेटरी जैसे ये शादी में पहुँचे नहीं इनका एक फ्रेंड दौड़ते दौड़ते इनके लैब में पहुंचा होपिंग टू फाइंड हिम देयर वहाँ वो ऐसा सोच के वहाँ पे दौड़ते हुए पहुंचा कि ये वहाँ पे मिल जाएंगे श्योर इनाफ ही वॉज बिजी विथ एन एक्सपेरिमेंट और जैसा फ्रेंड ने सोचा था कि ये अपने लैब में मिलेंगे ही वॉज बिजी विथ एन एक्सपेरिमेंट अपने शादी के दिन ये अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी थे डिड यू फॉर गेट योर वेडिंग आज द फ्रेंड दैन the दोस्त पूछता क्या आप आ, क्या तुम अपना शादी भूल गए क्या ऐसा मजाक करता है oh, no, replied, वो नो रिप्लाईड पास्टर बट डू यू एक्सपेक्ट मी टू क्विट इन द मिडिल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट देन वो रिप्लाई करते हैं कि क्या दैन द the पास्टर रिप्लाईज कि क्या आप ऐसा उम्मीद करते हो कि मैं एक्सपेरिमेंट के बीच में इसको छोड़ दूँ

फिर हम लोगों ने देखा पाश्य के बाद बारे में जो अपने वेडिंग के डे पर कैसे मजाक करते हैं राइट नेक्स्ट इज अर्थमैटिक क्लास दैट द अर्थमैटिक क्लास लेट्स सी अर्थमैटिक्स इज अ पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स का एक पार्ट होता है अर्थमैटिक वंस अ लिटिल स्कूल गर्ल वॉज हैविंग सम डिफिकल्टी विथ हर होमवर्क इन हियरिंग दैट अ फेमस मैथमेटिशियन हियरिंग दैट एक स्मॉल लिटिल गर्ल थी स्कूल की लड़की जिसको डिफिकल्टी हो रही थी मैथ के होमवर्क को समझने में और मैथ का होमवर्क किस सब्जेक्ट से था अरेथमेटिक्स से था हियरिंग दिस इस बात को सुनते हुए अ फेमस मैथमेटिशियन हु वॉज ऑल्सो वेरी गुड मैन जो एक बहुत ही गुड मैन भी था मैथमेटिशियंस तो था ही बट वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था इस्टेट क्लोज बाई शी वेंट टू स्टेट क्लोज बाय शी वेंट टू हेम फॉर हेल्प और फिर वो उनके पास गई किस लिए मदद के लिए वैन द ओल्ड मैन हैज़ एक्सप्लेन एवरीथिंग पेशेंटली द लिटिल गर्ल बेंट बैक होम एंड टोल्ड हर मदर दैट शी हैड फाउंड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन दैन वन हर टीचर हैज़ एक्सप्लेनड इट इन स्कूल ना वैन द ओल्ड मैन हैज़ एक्सप्लेन एवरी थिंग जब ये बूढ़ा आदमी ये ओल्ड मैन बच्ची को पेशेंटली पेशेंट मीन बहुत ही सह धीरे से सहजता से, से पेशेंट से लिटिल गर्ल को लड़ छोटी लड़की को स्कूल लड़की को समझाया तो वो लड़की घर पे जाके मम्मी से बोलती है मम्मी मैं और भी इजी तरीका से समझ चुकी हूँ और आई हैव फाउंड ईजियर टू अंडरस्टैंड अब मैं और भी आसान सम आ, मेरे को बहुत ही आसानी हुई समझने में जो मैंने स्कूल के टीचर से पढ़ा था उससे भी ज़्यादा आसानी से मैंने समझ लिया The old mathematician was none other than the famous scientist Albert Einstein. Conteo scientist Albert Einstein. And he has only given the famous theory of relativity that is E is equal to m and c square. Inhune, the famous physics theory, relativity. And when the child's mother heard of this, शी वन टू हेम टू अपोलोजाइज फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट और फिर जब बच्ची की मम्मी ने ऐसा सुना तो वो उनसे उनके पास गई कि मेरी बच्ची ने आपको मतलब आपको जो इनकन्वीनियंस हुआ है इसकी वजह से मैं आपसे सॉरी मांग बोलती हूँ उस चीज़ के लिए बट आइंस्टाइन रिप्लाइड यू डोंट हैव टू अपोलोजाई आई हैवन आई हैव सटनली लर्नड मोर फ्राम द कन्वर्सेन विद द चाइल्ड देन शी डिड फ्रॉम मी और फिर बोलते हैं मैं बच्ची से ज़्यादा सीखा हूँ उसके बातों से मैं उससे ज़्यादा सीखा हूँ जितना कि वो मुझसे सीखी होगी देन वट कैरेक्टर डज इट शोज़ अबाउट आइंस्टाइन कि वो सीखना पसंद करते हैं वो छोटे या बड़े किसी से भी हो तो हमें सीखना चाहिए ऐसा नेचर है उनका एंड ही इज़ सो काइंड एंड ग्रेटफुल ही इज़ ग्रेटफुल टू स्मॉल स्मॉल थिंग्स नेक्स्ट इज द ह्यूमेन साइंटिस्ट सर इसक न्यूटन द ग्रेट इंडिया इंग्लिश फिजिस्ट एंड मैथेमेटिशियन हु डिस्कवर्ड ग्रेविटी हु बस न्यूटन न्यूटन का तो नाम सभी ने सुना होगा वेरी फेमस साइंटिस्ट इंग्लिश फिजिस्ट फिजिक्स फिजिस्ट भी थे और मैथमेटिशियन भी थे ठीक है उन्होंने क्या डिस्कवर किया ग्रेविटी के बारे में डिस्कवर किया अभी हम कुछ भी अगर ऊपर फेंकते हैं बॉल भी ऊपर फेंकते हैं तो एक लिमिट के बाद वो नीचे जाती है नीचे गिरती है पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है दैट फोर्स इज़ कॉल्ड ग्रेविटी उन्होंने पहली बार ये डिस्कवर किया कि सारी चीज़ें नीचे की ओर गिरती क्यों हैं अभी तो हम कुछ भी छोड़ेंगे वो हवा में नहीं टिकती है नीचे गिर जाती है ठीक है तो लेकिन वो गिरती क्यों है ऐसा उन्होंने फर्स्ट टाइम अगर हम इसे भी छोड़ते हैं तो ये नीचे गिर रहा है ऊपर नहीं रुक रहा है ना ही हवा पे रुक रहा है क्यों इसको एक्सप्लेन फर्स्ट टाइम किया ये इसलिए होता है ड्यू टू ग्रेविटी ना लेट्स सी अबाउट द न्यूटन वॉज कंपाइलिंग द नोट्स ऑन ऑल द रिसर्च ही हैड कंडक्टेड ओवर द कोर्स ऑफ ट्वेंटी ईयर्स ही वॉज कंपाइलिंग कंपाइलिंग मतलब अपने सारे नोट्स को इकट्ठे करना और सर के रखना मीन्स एक, एक, एक पास में आ, उसको कवर अप करना कंपाइल करके एक साथ पिंच अप करके मीन्स जो जो नोट्स अलग अलग जगह पे फैले हुए बिखरे हुए थे उसको सही से कर रहे थे क्या आ, वो नोट्स किस किस के थे वो सारे नोट्स रिसर्च के थे जो बीस साल से और वो कोर्सेस के थे जो बीस साल से उन्होंने की थी एज यूजल हिज डॉग डायमंड क्या नाम था उनके डॉग का डायमंडलेक्प्टियर बा आई वाइल ही वॉज बिजी एट वर्क उनके बगल में ही उनके बगल में ही सो गया वेन ही वॉज बिजी with द वर्क न्यूटन worked ऑल डे एंड वेन द सन वेंट डाउन ही लेट अ फ्यू कैंडल्स एंड कंटिन्यूड हिज वर्क जैसे ही सूरज ढल गया उन्होंने दो तीन कैंडल्स जलाए और अपना काम शुरू कर दिया सडनली ही हर्ड नॉक एट द डोर नॉक इज द टन टन की घंटी की आवाज़ सुनना मीन्स कोई खटखटा रहा है दैट इज द नॉक फिर अचानक से उन्होंने दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनती है सुनें फिर ही वेंट टू आंसर इट आफ्टर क्लोजिंग द डोर बिहाइंड एम फिर अपने रूम से निकल के वो जाके डोर पे देखते हैं डायमंड हर्ड डायमंड्रेंज वॉइस ही वोक अप एंड पैनिक्ड पैनिक्ड बिकॉज ही डिड नॉट सी हिज मास्टर अराउंड अब जैसे ही डायमंड सोते हुए उठा वो अचानक से आवाज़ सुनने लगा सुना स्ट्रेंज uh, वॉइस वो जो स्ट्रेंजर आया था नॉक किया था दरवाजे पे वो वॉइस तो फैमिलियर नहीं थी डायमंड के लिए वो तो दूसरे इंसान की थी ही वोकअप एंड पैनिकड वो अचानक से उठता है और देखता है कि मेरे जो मास्टर है वो मेरे हल, आ, उसके अराउंड नहीं थे तो वो पैनिक करने लगता है मीन्स परेशान होने लगता है ही स्टेयर्ड बार्किंग इन एक्साइटमेंट एंड अपारेंटली कोलाइडेड अगेंस्ट न्यूस्टर्न स्टडी टेबल एंड अपसेट द कैंडल ऑन द टेबल नाउ से जैसे ही वो आ, पैनिक करने लगता है भो भो करने लगता है पैनिक के मारे वो भोंकने लगता है और बार्क ही स्टार्टेड बार्किंग इन एक्साइटमेंट एंड अपरेंटली और फिर भोंकने लगता है और ढूंढने लगता है अपने मास्टर को इधर उधर घूम घूम कर फिर अचानक से वो न्यूटन की स्टडी टेबल के नीचे स्टडी टेबल के नीचे जाके हिट हो जाता है कोलाइड कर जाता है मतलब भिड़ जाता है जिससे जो ऊपर टेबल के ऊपर जो मोमबत्ती रखी होती है वो गिर जाती है वेन न्यूटन केम इन टू द रूम ही सॉ ऑल द नोट्स ही वॉज वर्किंग ऑन वेर रेट्यूज टू एशेस जो बीस साल से जिस नोट्स पे उसने इकट्ठा करके रखा था जिस पे वो काम कर रहा था सारा नोट्स जल के राख हो गया एज केम रशिंग टू हिम और जैसे ही डायमंड उनको देखता है उनके पास दौड़ता हुआ जाता है ना व्हाट विल द न्यूटन डू अब न्यूटन क्या करेंगे क्या वो गुस्सा करेंगे या फिर डॉग को माफ कर देंगे लेट्स सी ही स्ट्रोक द डॉग्स हैड जेंटली एंड सेड फिर वो डॉग का हेड जेंटली स्ट्रोक किए पैट करने लगे ऐसा ऐसा ओ डायमंड डायमंड दाओ लिटिल नोएस्ट द मिस्टिप दाओ डन मीन्स ओ डायमंड यू लिटिल नोएस्ट यू शैतान यू हैव डन द मिस यू हैव डन द मिस आपने शैतानी किया है ऐसे पैट करके प्यार से बोलते हैं वॉट डज दिस शो दिस शो कि न्यूटन क्या है वो जान की ज़्यादा वैल्यू करते हैं वो एक डॉग की फीलिंग की कदर करते हैं ठीक है इंसानों की कदर करते हैं

इन्होंने एक इंटरव्यू के लिए फोर्सफुली जाना पड़ा इन न्यूयॉर्क बाय टू जर्नलिस्ट बाय जस्ट एज ही वाज़ अबाउट टू हैव ब्रेकफास्ट सर अलेक्सेंडर फ्लैमिंग जबरदस्ती इनको इंटरव्यू देना पड़ा फोर्सफुली किसके द्वारा टू जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट आर द जो कैम न्यूज़ चैनल्स पे जो बोलते हैं दे आर द जनरलिस्ट दो जू वर्क फॉर द न्यूज़ एंड द जनरल अपडेट ऑफ द सराउंडिंग एरिया जो आ, हमें आज कल के न्यूज़ को बताते हैं टीवी में दिखाते हैं उन लोगों को जर्नलिस्ट हम लोग बोलते हैं जैसे आज तक के एक जर्नलिस्ट अभी ही डाई किए हैं अभी ही मरे हैं तो उनका भी नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे कब वेन ही वॉज अबाउट टू हैव अ ब्रेकफास्ट जब वो ब्रेकफास्ट खाने ही वाले थे वन ऑफ देम दैम आगेम सर वॉट यू है वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट राइट नाउ आप इस समय क्या सोच रहे हैं वी विश टू नो वॉट अ ग्रेट साइंटिस्ट थिंक वाइल गेटिंग रेडी फॉर ब्रेकफास्ट हम जानना चाहते हैं कि जो इतना ग्रेस्ट ग्रेट साइंटिस्ट है पेंसिलीन का आविष्कार किया है वो नाश्ता करने के पहले क्या सोच रहा है फ्लैमिंग म्यूज अ वाइल ऑन द क्वेश्चन एंड ही रिप्लाइड आई एम थिंकिंग ऑफ सम थिंग वेरी स्पेशल ही म्यूज ये फ्लैमिंग थोड़ी देर रुके थोड़ा साइलेंस बनाए और एंड थाट क्वेश्चन एंड रिप्लाइड आई एम थिं थिंकिंग वेरी स्पेशल हम बहुत ही स्पेशल चीज सोच रहा हूँ द जर्नलिस्ट हु वेयर ऑल ईयर्स आप अपना का नाख नाख सब बहुत ध्यान से आँख खोल कर सुनने लगे कि क्या स्पेशल चीजें सुन रहे हैं दि यू फॉरवर्ड फिर थोड़ा सा आगे आके बस चेहरा आँख नाक कान सब खोल के ध्यान से सुन रहे थे आई एम थिंकिंग वेदर टू हैव वन एग और टू मैं सोच रहा था कि मैं एक अंडा खाऊं कि दो अंडा खाऊं एंड देन आफ्टर लिसनिंग वेंट बैक एंड फ्लैमिंग लाव्ड इन हिज माइंड next story is of the boy the genius the genius boy let's see who is this genius boy the mathematics teacher touching sorry the mathematics teacher teaching in the 8th eighth, eighth standard in a small school in south india was telling the class that a number when divided by the same number becomes unity that is 1 एक मैथमेटिक्स टीचर होता है वो एट्थ क्लास में पढ़ा रहा होता है स्मॉल स्कूल इन साउथ इंडिया साउथ इंडिया मीन्स साउथ साइड में लाइक महाराष्ट्र केरला तमिलनाडु वो सब साउथ में है ओके okay? और ही वाज टेलिंग कि वेन एनी नंबर इज डिवाइडेड बाई द सेम नंबर इट बिकम्स यूनिटी जब किसी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वन बनता है अगर फाइव को फाइव से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा ना फाइव वन या फाइव थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे तो भी वन आएगा राइट एट को ए से डिवाइड करेंगे तो भी वन आएगा देन अ डार्क डार्क आइड बॉय थिन मिस पतला डार्क आइड बॉय मिस डार्क आइड बॉय एकदम काले आंख वाला आस्क्ड सर इज द ट्रू ऑफ जीरो टू क्या ये जीरो के लिए भी ट्रू है क्या जब जीरो जीरो से डिवाइड होगा तो क्या तब भी वन आएगा द मास्टर द मास्टर वॉज लेफ्ट स्पीचलेस अब मास्टर को तो बुद्धि काम ही नहीं की यानी वॉज लेफ्ट स्पीचलेस मींस उनके पास शब्द ही नहीं बचा कि वो बच्चे को क्या बताएं द बॉय वॉज द इंडियन मैथमेटिकल जीनियस थ्री श्रीनिवासा रामानुजन वो बॉय कौन था वो लड़का कौन था फ़ेमस एंड द इंडियन मैथमेटिशियन इतने देर के बाद हमने अभी किसके बारे में पढ़ा इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ा फेमस श्रीनिवास रामानुजन तो आप लोग के भी दिमाग में ये चीज़ें चल रही होंगी क्या जीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो वन होता है कि नहीं तो इसका आंसर आप लोग हमको ढूंढकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप लोग जानना चाहते हैं अगर जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो हमारा जरूर देखिएगा जिसमें इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे और इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे अगर आपको उससे पहले आंसर पता चलता है तो यू विल डेफिनेटली कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर गुड लक थैंक्स फॉर वॉचिंग